कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? बदलाव। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने हमारी सबसे कीमती चीज चोरी की है। चोरी? क्या हो गया आपको? मैंने तो कभी कोई चीज चोरी नहीं की। मैं तो बेजरा सा मासूम सा लड़का हूं। मैं भी मासूम हूं। मी टू। और तू नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? ओ यस पुत्र। ओ ठीक है, मैं मासूम नहीं हूं, आप लोग तो मासूम है ना। प्लीज मुझे जाने दे यहां से। मेरे घर पे मेरी अकेली बीवी बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी। देखें वो रोने लगती है अगर मैं लेट हो जाऊं तो, और मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। सेम हेयर डिटो। हाँ? पर तू रोएगा, मैं रुलाऊंगा तुझे। वो देखो मुझे रुलाना मत। मैं यार मैं रोते हुए बड़ा कोचा लगता हूँ। हाँ हाँ, वैसे तो बड़ा टॉम क्रूज है ना जैसे। कोजा यार मैंने किया क्या है ये तो बता दो। तुमने मेरी मासूम सी बेटी को मरवाया है। तुम मेरा मतलब है मासूम का लाभ? तूने पिक एंड ड्रॉप के बहाने मासूम मीना पर ऐसा जाल डाला कि उसने तुझे पिक करके हमें ड्रॉप कर डाला। मासूम आंटी आप भी। टिम्मी नहीं, ये टोनी। यार आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं नहीं भागा था उसके साथ, भागी तो मीना थी। और ये जो शादी का प्लान था ना, ये भी उसी का था। तू ऐसे ही रगड़ा गया बीच में। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या 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 कर क्या रहे हैं आप लोग? देखे मैं जानता हूँ कि मैंने हरकत कमीने वाले की थी, लेकिन वो तो आपका दामाद ना। यार कुछ तो शर्म कर, मेरा मतलब कुछ तो रहम करें। ना करें ना। नहीं 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 मत मारो, बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ समीर? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ हो सब? कौन सब? तुम्हारे घर वाले? अपने घर पे होंगे। नहीं वही यहीं पे थे, और साथ में कमीना टोनी भी था। टोनी? नहीं 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 समीर, तुमने ना कोई बुरा ख्वाब देखा है, ठीक है? रिलैक्स करो। रुको मिनट, यहीं पे थे ना वो। अरे पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। देखो मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, कल फर्स्ट टाइम उनसे मिलने जा रही हो ना। देखो मीना नहीं जाते ना, अगली ईद पे पक्का उनकी तरफ चले। हाँ क्या कह रहे हो समीर? खुदा खुदा करके इतनी मुश्किल से उन्होंने हमारी शादी को कबूल किया, अगर हमने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान चेंज कर लिया तो कहीं वो अपना प्लान ना चेंज कर देना। देखो समीर, समीर ट्रस्ट मी, हाँ ट्रस्ट मी, कुछ बुरा नहीं होगा अगर तुम अच्छा सोचोगे तो। बस ये आखिरी था ना, ये सारा सामान बेच बाज के जिंदगी से कूच कर रहा है। हो गया समीर। समीर तुम अब तक रेडी नहीं हुए? हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं यार, जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी आगे इतना लंबा सफर पड़ा है। ओके बेबी, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए तुमने? हाँ कर दिए, लेकिन वो तुम्हारी जो ब्लू शर्ट है ना उसके बजाय मैंने रेड शर्ट प्रेस की। देखो मैंने भी तकरीबन रेडी पहना हुआ है ना, मैचिंग मैचिंग करेंगे ना तो जोड़ी लगेगी, और सब तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हम एक साथ हैं। ओके बेबी जैसे तुम कहो। अब जल्दी आओ, तैयार हो, आ जाओ, लेट हो रहे हैं। फांसी हैंग कर अपनी। क्या है, मारा क्यों है? मारा क्यों है? ओके बेबी जैसे तुम कहो बेबी। तो बेबी कहूंगा ना मैं, मेरी बीवी है, मैं बोलूंगा, और तुझे बेबी बोलूं मैं। हैव अ सीट। लाल शर्ट पहने। लाल शर्ट में क्या मसला है? मसला तू मसला है। जोरू का गुलाम बनके तूने अपनी सारी मर्दानगी नीलाम कर ली। इतना ही बैड सीन नहीं है? अच्छा गुड सीन है, गुड सीन है। अच्छा मुझे ये बता, शादी का आइडिया किसका? मीना का।
भागने का आइडिया किसका? मीना का। भगा के विलन कौन बना? मैं। फंसा कौन? मैं। लेकिन मीना मेरे साथ भागी थी। ओ मेरे बेटे, वो उनकी बेटी है, उनकी ती है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तू अगर अपना ये मुंह लेके उनके पास गया ना, तो उन्होंने छोटी ईंट पे तेरी कुर्बानी कर देनी। ओ गड्डी तक चलानी नहीं आती तुझे, वो लेडीज बन के पीछे बैठ जाते सीट बेल्ट बांध के। तू मुझे एक बार बता, तू मर्द है या नहीं? सोच रहा है? यार मैं सोच रहा हूं कि सीट बेल्ट पहनना कोई बुरी बात तो नहीं है। You know, safety comes first. अमीर, मर्द ना खतरों के खिलाड़ी, उनका सेफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बोल, तू मर्द है? तू मर्द है? अबे तू ना बोल, मैं मर्द हूँ। मैं तो मर्द हूँ ऑब्वियसली। पक्का ना? हाँ पक्का। खड़ा हो। ठीक है, पहले कभी खड़ा हो कभी बैठ। देख, जो होना था सो हो गया। बीवी के आगे तो तू कलीन बन के बच गया, लेकिन अब ससुरालियों के आगे तूने नहीं बचना है। और तू लाल शर्ट नहीं पहन। ओके, मैं लाल नहीं। नहीं बेटी, मीना नाराज हो जाएगी, माइंड कर जाएगी। नहीं, ये नहीं। मेरी बात सुन, देख मेरी आंखों में, देख आंखों में, देख मेरी बेटी। मैं तेरी आंखों में देख रहा हूँ, थूक रहा तो बंद कर। कंट्रोल गाड़ी का हो या जिंदगी का, स्टीयरिंग हमेशा मर्द के हाथ में। समझा क्या? जो लाइसेंस मिल गया? लाइसेंस टू किल? ओ नहीं, ओए जेम्स बांस, लाइसेंस टू ड्राइव, ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो लर्नर पे चला रहा हूँ। देख मेरे भाई, तेरे से नहीं, तू सारी जिंदगी लर्न नहीं करता रहे। तो ऐसे कर, तू जाके लाल शर्ट पहन ले और जाके लश्कारे मार। जा, जा। ओ हेलो, ओ इधर नहीं जाना, ओ उधर जाना है। जा रहा हूं। समीर चलो। हाँ चलो चलो चलो। ये क्या, तुमने वो रेड वाली शर्ट नहीं पहनी? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी, क्योंकि मैं मर्द हूं। What? चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, वेट करो मैं आ रहा हूं। बाहर आओ, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। चलाओ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मर्द हूँ। समीर, क्या मर्द समझती तुम मुझे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा बाबा। हाँ तो बाहर आओ, मैं चलाऊंगा। रेस तो दो। हाँ।
मेरा ख्याल है आज गाड़ी तो मैं चला लूं। मर्द मैं किसी और दिन बन जाऊंगा। ले ली मिठाई? हाँ ले ली। तुम जाग रहे थे? जाग रहा हूँ। कितने की मिली मिठाई? सिर्फ 15,000। 15,000? क्या ले लिया इतना महंगा 15,000 का? अरे अच्छी वाली बेकरी से ली है, मिठाई का एक बड़ा सा टोकरा और आइसक्रीम का टब भी लिया। टब? क्या टब खाने वाले नहाने वाला? इतना महंगा टब कौन दे के आते है? समीर जी बातें मत करो प्लीज। पहली बार मेरे घर वालों से मिलने जा रहे हो, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। इंप्रेशन क्या करना है, इतना महंगा इंप्रेशन? अब सारा महीने का इंप्रेशन बैठ के खाएंगे हम? अच्छा यार सॉरी। क्रिकेट खेला जा रहा है। देखो ना पापा बैटिंग कर रहे हैं। चलो उनको चल के सलाम करते हैं। मीना तुम जाओ मैं आता हूँ। चलो ना साथ। जाओ ना कह तो रहा हूँ। जाओ मैं आता हूँ। समीर। जाओ ना। बाय सी। पापा। हेलो। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। मामा कहाँ हैं? अफ्तारी बना रही हैं। ओ, समीर। हाँ वे। हाँ पहुंच गया। मर्द बन के गया ना मर्द। हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई नहीं। गुड है, गुड है। किधर है अभी? मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मीना अपने डैड के पास है। मीना बाप से मिलने गई तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू भी जाके मिल। नहीं बेटा मुझे डर लग रहा है यार। क्या मतलब है समीर, तू मर्द है या नहीं? हाँ हूँ। तो बन के दिखा ना, जाके हीरो वाली एंट्री मार। हीरो वाली एंट्री? जो हीरो विलन की नाक के नीचे से हीरोइन का हाथ पकड़ के निकल जाता है, जिसमें पूरी ऑडियंस ताली और सीटी मारती है। तू ऐसा कर, तू उस घर में ऐसे घुस जैसे तेरे बाप का घर। क्या समझा? हाँ समझ गया। अब टायर को ही चाटते रहोगे क्या, या अंदर से गाड़ी भी साफ करोगे? मैं धो रहा हूँ ना, मैं धो रहा हूँ बेगम, मैं भी धो के आता हूँ। ओए, ओए, बाद में बात करते। तू मुझे अपडेट्स देता रहे, ठीक है? चल चल। ओके। चल बेटा समीर,
मर्द पर। अभी नहीं तो कभी नहीं। जूते से फौरन हो जाएगा। कैसा भाई, रुके तो समीर। कौन हूँ मैं, कहाँ पे हूँ? समीर आंखें खोलो, आंखें खोलो, जागो। नाइस टू मीट यू, आप कौन? मुझे नहीं पहचानते समीर, मैं मीना। कितना अच्छा नाम है ना, दिखने में भी कितनी प्यारी है। मुझे ना आपसे प्यार हो गया और शादी भी। समीर मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार। हाँ बीवी है? अरे वाह, लग गए सर में, चक्कर आ रहे हैं। वो तुम बेहोश हो गए थे ना पापा की शॉट लगने की वजह से। चूहे मरने की भूख कहाँ से आ रही है? क्या ये जुराबें, तुम 3 घंटे बेहोश रहे तो तुम्हें जुराबे सुंगा के जगा रहे थे। नहीं तुम पागल हो गई हो, जुराबे सुंगा के कौन जगाता किसी को इंसान? मैं तो कह रहा था जूता सुंगाते हैं, जूते से होश आ जाएगा। मीना कौन है कमीना? समीर ये कैसर भाई, वो माहिरा बाजी के शौहर। हेलो, शट अप, गेट लॉस्ट। समीर यही शख्स है ना जो प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हारी टोनी से शादी करवाना चाह रहा था, है ना? वही है ना। समीर अपनी आईडी तो बता जरा। क्यों, क्या करना है? ये तस्वीर टैग करनी है तुझे। मीना इस शख्स को यहाँ से चला जाए, वरना इन जुराबों से इसका गला दबा दूंगा मैं। निकलो यहाँ से। मैं मार देगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जा रहा हूँ यहाँ। जाओ। क्या कर रहे हो समीर? तुम क्या कर रही हो मीना? तुम्हें नजर नहीं आता शोहर की मुंह जुराबे क्यों डालते हैं? वो जो मेरी बेइज्जती हुई है वो किस बेस से कवर करोगी तुम? समीर। क्या समीर? मीना मुंह ठीक कर लो ना अपना, वरना बाहर जाएंगे तो तुम्हारे घर वालों को देख के लगेगा कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर ली है। तो मुझे भी ऐसी लग रहा है। मीना। अरे ना सॉरी। चल इस निशान को कवर कर देती हूँ, मैं नया वाला बेस लिया ना उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। चल आ जाओ। इसमें लग पीस कहाँ गया? डाल लो अपने लिए। पापा। अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई बरखुरदार, आ गए होश ठिकाने।
कैसा लगा हमारा स्ट्राइक? दिखा दिए ना दिन में तारे। पापा हद करते हैं आप, आते ही बेचारे का मुंह सुजा दिया आपने। अभी तो मुंह सुजा है, आगे आगे देखो क्या क्या सोचता है जनाब का। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आज अपने ससुर से गले तो मिलो। आ जाओ। बहुत गलत जगह डाला है तूने बेटा। अंकल अभी तो डाला भी नहीं, अब डाला है। जब मैं तेरी उम्र में होता था ना तो कुश्तियां खेलता था, और वो भी फ्री स्टाइल। अंकल जब मैं आपकी उम्र में होऊंगा ना तो नमाज पढ़ूंगा, वो भी 5 टाइम की। सॉरी आंटी। वालेकुम। हाँ भाई मासूमा बेगम, भाई तुम्हारे दामाद आए हैं, मिर्चियां लगाओ इन्हें। मेरा मतलब है वो जो फास्ट खाना बनाया है ना, खिलाओ। वी लाइक स्पाइसी फूड, खाते हो ना? जी जी क्यों नहीं। भूखा। मासूम साहब आप फिक्र ना करें, जो खास डिश बनाई ना इसके लिए वो मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मायरा, मीना इतने अरसे बाद घर आई है, इसे बच्चों से नहीं मिलवाया? हाँ हाँ मीना, बच्चों के कमरे में चलते हैं, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चल मैं भी चलता हूँ। बैठो ना, खाना खाओ पापा के साथ। बैठो बैठो तुम खाना खाओ। वैसे बेटा अंदाजा तो है मुझे, लेकिन पूछ के शर्मिंदा जरूर करूंगा तुम्हें। आज रोजा तो नहीं था ना तुम्हारा? वैसे भाई मुझे तो समीर बहुत अच्छा लगा, नाइस है, डिसेंट है और बहुत हैंडसम भी है। लड़कियां तो बहुत फ्लर्ट करती होंगी उससे। फ्लर्ट? और समीर भागता फिरता था वो लड़कियों से। क्यों? तुमसे पहले उसकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं थी? कहाँ, सीरियसली? हाय मीना, काश ये सब कुछ यूं ना हुआ होता, तुम्हें यूं घर वालों के बगैर शादी ना करनी पड़ती। क्या सोचता होगा ना समीर हमारी फैमिली के बारे में? वो ऐसा कुछ नहीं सोचता। फिर भी मीना, इसका कोई और तरीका नहीं था? आपा सब आपके सामने ही था, मेरे लाख मना करने के बावजूद कैसर भाई और पापा जबरदस्ती मेरा निकाह टोनी से करवा रहे थे। अब उस वक्त घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सही कह रही हो तुम, बहुत ज्यादती किया उन दोनों ने तुम्हारे साथ। खैर छोड़ो, बताओ मुझे समीर कैसा है, ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? हाँ बहुत ख्याल रखता है। ख्याल तो मैं भी बहुत रखता, पर आपको तो मेरा ख्याल ख्याल से भी नहीं आया। टोनी, आपा ये यहाँ क्या कर रहे? प्यार का इजहार। बदतमीज इंसान, मैं शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं, हम खत्म शुद्ध करा देंगे। टोनी किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? मासूम अंकल ने। मैंने कहा ईद आपके साथ गुजारने का जी चाह रहा है, उन्होंने कहा बेटा आ जाओ। जी तो असल ईद का चांद ईद से पहले निहारने का चाह रहा था। क्या बात है मीना जी, आप तो ईद का चांद ही हो गई। लॉन्ग लॉन्ग टाइम बट नो सी। इससे कहीं इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए, अगर समीर ने देख लिया ना इसे तो। समीर वो भी यहाँ है? मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। अच्छा मुझे रोकना है तो फिर मेरा हाथ पकड़ना होगा। पीछे करो तुम अपना हाथ। और ध्यान से सुनो मेरी बात, टोनी के बच्चे अगर तुमने इस दफा कोई भी पंगा किया ना तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पंगा होगा। टोनी चले जाओ तुम यहां से, फौरन से बच्चों के कमरे में जाओ तुम। अभी तो मैं जा रहा हूं बट I'll be back। मीना मीना रिलैक्स, बैठ जाओ तुम।
पापा ने बुलाया? क्यों बुलाया पापा ने इसे? रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ। पकड़ समीर। मैं बात कर रही हूँ। क्यों भाई, कैसा लगा? अच्छा है आंटी, बहुत अच्छा। अच्छा है तो और खाओ ना। नहीं, कल बहुत हो गया। चल कोई बात, मैं खिलाता हूँ ना तुम्हें। हैं? शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह मुंह खोलो। आ आ, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। अगर बड़ा वाला नहीं खोलोगे तो हम सब नाराज हो जाएंगे। हाँ, आ आ आ आ आ, आ। अभी कैसे भर गया, अभी तो शुरू हुआ है। चलो शाबाश, एक और चम्मच खाओ। चलो शाबाश। आ, 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 आ। शाबाश। बाहर नहीं निकाला, अंदर अंदर। अंकल बाहर ना निकाले ना तो कहीं और से निकल जाएगा। अंदर डालो। शाबाश। Yes. बाथरूम कहाँ? क्या? बाथरूम कहाँ है? ये क्या कह रहे? पता नहीं। चलो शाबाश बेटा, ऐसे नहीं करते। एक और। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? बाथरूम कहाँ पर है? बाथरूम कौन सा वाला? बेडरूम वाला या ड्राइंग रूम वाला? कोई भी चलेगा। पापा सर्वेंट क्वार्टर वाला बाथरूम है, वो चलेगा। अच्छा ऐसा करो, बाहर जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट और फिर पीछे चले जाओ। उसके सिंक पे तो पानी नहीं आता। हीरो मार ली एंट्रियां? एंट्री का तो पता नहीं, बट्टी मैं जरूर मारा जाऊंगा आज। ओए ओए क्या हो गया, क्या मतलब, क्या हो रहा है वहां पे? बट्टी जुल्म हो रहा है मुझ पे, जुल्म हो रहा है। इतना खाना खिला रहे, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे अरे अरे, ये तो दावत हो रही है। फिर वो दावत नहीं हो रही बट्टी, तुझे नहीं पता मेरी सास का इतनी मिर्चें डाली है बिरयानी में। बट्टी मैं तुझे बता रहा हूं, गोश्त जो है ना किसी नामालूम जानवर का है। नामालूम जानवर? हां बट्टी, सुबह से ना कुत्ता बाहर भौंक रहा था। मेरी बात कहेगी तो चुप ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब नहीं, उसकी आवाज आ रही। बट्टी क्या बात कर रहे हैं? बट्टी मैंने दुबे से लेके खोते तक हर गोश्त खाया, लेकिन इसका रुजायका था ना बट्टी, वो डिफरेंट था। समीर मैं तुझे हमेशा बताता हूँ कि मर्द बन, मर्द। वो नहीं बना जा रहा मुझसे मर्द, अब बता क्या करूँ मैं। चल एक आइडिया है मेरे पास, बड़ा ही जबरदस्त। हाँ आइडिया दे, आइडिया दे। हाँ अंदर क्या कमोड में डुबकियां लगा रहे हो? बाहर निकलो, मार्केट जाना है मुझे। मैं आ रहा हूँ धोने बेगम, ये धो के आता हूँ। कौन है बट्टी? बीवी थी मेरी, बाथरूम धो रही है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं फिलहाल जा रहा हूँ। मैं ऐसा करके पुराने वाला आइडिया चला, ठीक है? चलो के भाई। बट्टी तुमने बताया नहीं कौन सा शैम्पू यूज करती हो? ओ तेरी, कुछ भी नहीं लगाती, सब नेचुरल और ऑर्गेनिक है। यू नो ना, आई एम 100% वेगन। ये यहाँ क्या कर रही है? वेगन? हाँ मैं मीट नहीं खाती ना, ओनली वेज एंड नॉन वेज। नॉन वेज? एनीवेज, कैसर भाई आपकी कजन से मिलके बहुत खुशी हुई। और मैंने ना तुम्हें ये इंस्टा पे फॉलो भी कर दिया। ओह थैंक्स लव। बेटा समीर निकल जा पतली गली से। पर फॉलो बैक की उम्मीद ना करना। निकल।
You know, I don't follow anybody. No, she don't. Right. Meena, जाओ समीर बड़ी देर से बाथरूम गया है. देखो कहीं बेहोश बेहोश तो नहीं हो गया. मैं भी देख क्या. देखो जाओ. समीर, समीर, कहाँ चला गया? समीर, म्याऊ, तू इधर पागल हो? पागल तो मैं पुराना हूँ. आपके प्यार में मीना जी. देखो टोनी, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो. लेकिन तुम एक नंबर के डफर हो. तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं बैठती कि वो मम्मी सिर्फ एक बिजनेस वेंचर था जो कि कैसर भाई और पापा ने करवाई थी ताकि तुम्हारी और ताया की प्रॉपर्टी अंडर कंट्रोल रख सके. मुझे तुमसे कभी शादी नहीं करनी थी. तुम मतलब 3 साल छोटे हो यार. मोहब्बत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता मीना जी. ये तो दिलों का रिश्ता होता है. जहां दिल मिल गए वहीं हो गई मोहब्बत. नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत भाई. इनफैक्ट अब तो नफरत होने लगी है मुझे तुमसे. देखो मैं अपना दिल कहीं और लगा चुकी हूँ. बेहतर ये है कि तुम भी अपने दिल की वेल्डिंग किसी और के साथ कर लो. नहीं कर सकता. टंका सिर्फ आपके दिल से लगेगा. तो कौन है टिका की ना एक चाटा मिलेगा तुम्हें. हटो सामने से बिल्ली के बच्चे. मोहब्बत में मिले तो के कोई बात नहीं. इट्स ओके. तुझे मिलेंगे और भी मौके. टोनी यू विल बी बैक. फोन उठा बट्टी. बट्टी कॉल उठा. वाह भाई सारा, तुम तो बड़ी छाई हुई हो. टिकटॉक देखो मेरा, वहां 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं. तो आने वाली है. चलो ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल मिलते हैं. ओके लव, बाय बाय. यहाँ क्या कर रहे हो? मैं छुप रहा था. किससे? तुमसे. सरप्राइज दे रहा था. सरप्राइज. समीर, की कोई उम्र है तुम्हारी बच्चों वाली हरकतें करने की? निकलो बाहर, निकलो, निकलो बाहर. सॉरी. उठो. पागल हो गए हो? हाँ ना, वो कैसर भाई की कजन आई हुई है सारा, अपने मैनेजर के साथ. मिलवाओ सारा. नहीं नहीं, अब तो जा चुके होंगे. नहीं नहीं, अभी कहाँ जाएंगे, ईद मनाकर जाएंगे इंशाल्लाह. मैं कह रहा था कि देखो तुमने अंकल आंटी से मिलना था, मिल ली है ना, अब वापस चलते हैं अपने घर. शहरी तक पहुंच ही जाएंगे अपने घर. इतनी जल्दी? समीर अभी तो आए हैं, अभी नहीं. मीना देखो ना, शादी के बाद जो पहली ईद है ना, वो अपने घर बनानी चाहिए. मुझे मान पैक करो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ. रुको, बैठो यहाँ चुपचाप. बताओ मुझे क्या परेशानी तुम्हारे साथ? परेशानी? कोई परेशानी नहीं. तुम परेशान हो क्या? मुझे ये बताओ, तुम्हें मम्मी पापा तो ठीक लगे ना? उनका बिहेवियर तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा बिहेवियर था. इतना खाना खिलाया कि मुझे लगा मेरा पेट ही ना फट जाए. जब बता था एक बार तुमसे मिल लेंगे ना तो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने लगेंगे. कॉलिंग
कहाँ मर गया था बुटी फोन क्यों उठा रहा था ये आराम से बात कर रिलैक्स कर रहा हूँ और अपनी बेगम से पांव दबा रहा हूँ अपने हाँ लेकिन तेरी हवा इतनी क्यों निकली हुई है बुटी क्यामत आ गई है क्यामत सारा ही भी यहाँ पे कौन सा साइको सारा तेरी एक्स मेरी एक्स कहाँ से आ गई मेरी स्टॉकर थी पीछे पड़ी रहती थी मेरे जो भी थी मगर वो यहाँ पे कर क्या रही है मीना की जो बहन हुई है ना उसकी कजन है वाकई अच्छा लेकिन वो पागलखाने से कब निकली मुझे क्या पता कब निकली पागलखाने से अब तो टिकटॉक कर 3 मिलियन फॉलोअर्स भी उसके हैं आईडी भेज उसकी बकवास ना कर तूने क्या करना है उसकी आईडी का तरक्की खत्म होती तेरी बट्टी मुझे पता मैं क्या करूँ मीना के साथ बड़ी बड़ी हो रही है अगर उसने मुझे मीना के साथ देख लिया ना और पहचान लिया तो मैं रुक गया देख समीर रिश्ते ईमानदारी और भरोसे पे बनते हैं तुझे मीना को अपना सारा गलीज माजी बता देना चाहिए था अब तुझे किसने कहा था कि तू उससे झूठ बोल तूने कहा था कि ना बता तूने कहा था कोई बात नहीं झूठ बोल दे मैंने झूठ बोल दिया अब बता क्या करूं सॉरी अच्छा माय बैड अच्छा तू ऐसे कर तू 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 अपना मुंह काला करा ले हाँ हाँ मेरा मतलब है कि तू अपना रूप बदल ले सारा अच्छा चल अगर अपना मुंह काला नहीं कराना चाहता तो फिर गंज करा ले जब सारा तुझे पहचानेगी नहीं तो तुझे पहचानेगी कैसे कैसा लाख दी लानत भट्टी दे रहे थे भट्टी शक्ल अच्छी ना होना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए भट्टी खाना भट्टी तेरे से कौन खाना पूछ रहा है अभी कोई नहीं है अच्छा मैंने भी जाके खाना भी पकाना है यार मेरा मेरा मतलब है कि मैंने खाना खाना है तू तू ऐसा कर तू फोन रख हम बाद में बात करते हैं ठीक है पापा चांद नजर आया पापा चांद नजर आया पापा चांद नजर आया अभी ठहर जा बेटा देख रहा हूँ ना देख के बताता हूँ सबर करो पापा जी चांद नजर आया अभी नहीं ओए ये कुछ नजर आ रहे ठहरो ठहर कर चांद मुबारक पुत्र चलो अंदर चल के ना मीना खाला को बताते और मामा को बताते और चांद रात में बाहर चलते हैं ठीक है चलो 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 क्या करिए मीना को देख लेगा मैं भी तो यही चाहती हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ क्या कर रही हो तुम मुझे छोड़ो तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मेरे ससुर का घर है ये ससुराल समीर तुमने शादी कर ली तुमने मुझे धोखा दिया तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया उल्टा तुमने मुझे धोखा दिया मेरे खाने में तुमने चूहे मार दवाई मिला दी वो तो अल्लाह भला करे भट्टी का जिसने उंगलियां मार मार के मुझे उल्टियां करवाई वरना मैं चूहे की मौत मर जाता आई एम सो सॉरी देखो सारा मेरी बात सुनो मेरा घर ना बर्बाद करो मैं शादीशुदा हूं मेरी मीना से शादी हुई है अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो नाराज हो जाएगी समीर तुमने मीना से शादी की है उस गवार मीना से गवार नहीं है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अब तुम अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ निकलो यहां से रुको समीर एक बार तो तुम मुझे धोखा दे चुके दूसरी बार करो तुम सोचना भी मत मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था तुम्हारी किताबें गिरी थी मैंने तुम्हें पकड़ाई तुम्हें लगा प्यार हो गया वो प्यार था समीर नहीं था भूल गए वो रोमांटिक म्यूजिक पेजेस हवा में परिंदे फिजा में तुम्हारा दिमाग खराब था जाके अपना दिमाग दिखाओ किसी को भी किसी मैकेनिकल इंजीनियर को समीर मैं मीना को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी कौन सी असलियत यही कि तुमने मीना से शादी सिर्फ उसके बाप के पैसों के लिए की है और इसी वजह से हमारा ब्रेकअप भी हुआ क्योंकि मेरे बाप के पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे अस्तग़फ़िरुल्लाह लड़की कितना झूठ बोलती है तुम रमजान में झूठ नहीं बोलते तुम्हें किसी ने बताया नहीं है बेशक झूठ नहीं बोलते लेकिन मैं तो मीना को यही बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ये धोखा किया क्या चाहती हो तुम बस तुम्हारा साथ वो नहीं मिल सकता कुछ और मांग लो फिर मुझे ईद के 3 दिन दे दो उन ईद के 3 दिनों में मुझसे ऐसे मिलना जैसे
कभी बिछ गई ना? नहीं मीना! क्या चाहिए तुम्हें? तीन दिन, ईद के तीन दिन। तीन दिनों में मैं तुम्हें सुनाऊंगी अपने पागलखाने के सारे किस्से, और तुम सुनाओगे मुझे अपने दिल का हाल। ठीक सुमित, कह दो ना। हाँ आगे ना। अच्छा ठीक है, लेकिन इन तीन दिनों बाद अगर तुम मुझे मिली, मुझे नजर आई, मेरी जासूसी की ये बात करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? साइको! तुम्हारे प्यार में, अरे हाथ तो भी आते जाओ। बेटा किसी को शक नहीं हुआ? हाँ भाई, बहुत मोटी असामी है ये। नकली नस्ली सामान है इनके पास। और हाँ हाँ देख रहा हूँ, और हाँ जैसे कुछ बड़ा हाथ लगेगा मैं फौरन बताऊंगा, बस तुम वारदात के लिए तैयार रहना। कुल्लू के बच्चे, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कौन से सीक्रेट डिस्कस हो रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें रिंग लाइट चार्ज करने का कहा था ना, कर दी? कर तो दी थी वो, तो फिर मुझे बताओगे क्यों नहीं? मैसेज किया था आपको मैंने। अच्छा, तो अब गुल्लू मुझे मैसेजेस पे इन्फॉर्म करेंगे। बॉस बन गए, भूलो मत, बॉस मैं हूं और नौकर तुम। चलो अब लाइट सेट करो, मैं अपने फैंस के लिए आज लाइव जाऊंगी एज अ स्पेशल ट्रीट। जी मैम। जी मैम के बच्चे, चलो काम चोर कहीं का, चलो। अरे ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? सलाम मेरा जान। वालेकुम सलाम। अरे पापा जान, ईद का दिन है, कोई बाबा कौम का तो दीदार करवाए। भाई क्यों नहीं करवाए ना। शुक्रिया नाना अबू। मुबारक हो, मुबारक हो। अस्सलाम अंकल, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। वैसे अंकल पूछ के शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन ईद की नमाज नहीं पढ़ी ना आपने? कोई बात नहीं, बड़े शरारती हो गए। ये लो तुम्हारी ईदी। अरे इसकी क्या जरूरत थी अंकल। दिया जाता है, समझ गए? इसे कभी खर्च मत करना, समझ गए? बुरे वक्तों में काम आएगा। चलो भाई खीर खाते हैं। हाँ आ जाओ। कहाँ है हमारी बेटी? अंदर। बड़े भाई कंजूस है। क्या क्या? अंकल कहाँ जा रहे हो? ईदी निकालो।
बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से? ऐसे ही नहीं मांगते हैं? अच्छा सॉरी, अस्सलामुअलैकुम अंकल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अब जरा हमें हमारी ईदी तो दें। कितनी ईदी चाहिए? 5,000 ईच। कभी देखे भी इतने पैसे एक साथ? हमने बहुत देखे, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको कभी कभी नसीब होता है। ये लो, आधे आधे कर लेना। ये ले, आप ही रखिए, आपको ज्यादा जरूरत है। क्या हुआ मामा? बताती हूँ, मेरे साथ आओ तो सही। अरे यार मामा, क्या हुआ? ये देखो जनाब, ये देखो। दे दिए सेट ज्वेलर ने? हाँ हाँ, कल रात ही भेजे कमबख्त ने। हर चीज इतना लेट कर लेते हैं ये लोग। ये देखो जनाब, ये जो है मैंने 5-5 तोले के ना 2 सेट बनवाए थे। सही तरह पॉलिश भी नहीं किया इसने तो। अच्छा, एक है तुम्हारे लिए, एक है मायरा के लिए। जो तुम्हें पसंद है ना वो तुम ले लो, दूसरा मैं मायरा को दे दूंगी। मामा मुझे तो दोनों ही पसंद आ रहे हैं। एक बेटा, सिर्फ आप तो नहीं है ना? ये बात, चलो ठीक है, दूसरा फिर मैं मायरा को दे दूंगी। चल अब ये मुझे आप वापस दे दो, ठीक है? पर याद से जाते हुए लेके जाना है। हेलो, घर में बहुत माल है, वारदात की तैयारी करो। ओके बाय। ऐसे लगता तो नहीं कि पुलिस वाले का घर है, बड़ी रिश्वतें खाई है वैसे इन्होंने। हेलो आओगे? 40 रुपए पड़े मेरी जेब में। चाहिए चाहिए तो बताओ, मैं भी देता हूँ तुम्हें। समीर कभी तो स्वीट भी बोल लिया करो। तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? चलो अब जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरी वार्निंग याद है ना? आ रहा। आ रहा है वो। गेम बन गए ना तो मुझे दूसरे फोन पे कॉल कर देना। मीना मीना। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मीना मेरा एक छोटा सा काम करोगी? बोले। एक दो तस्वीरें मेरी बना दो, इंस्टा पे लगानी है भाई ने। ये किसका फोन है? फोन? ये सारा का फोन है। कैमरा बड़ा अच्छा है इसका, जल्दी जल्दी बना लो तस्वीरें। चेंज चेंज। हाँ वाह, बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाई है भाई। नहीं अच्छी तस्वीर ब्लर कर दी। समीर और सारा की तस्वीर, ये तस्वीरें कब बनाई इन दोनों ने? पुरानी लग रही है।
तो कह रही थी कि समीर की जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो, ये क्या भाई? मीना, मीना रुको रुको, बस कर दो सारा, बस कर दो, तुम्हारे पागल खाने के किस्से सुन सुन के ना मैं पागल हो जाऊंगा। पर समीर, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे सारे किस्से सुनोगे। गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, नहीं कहूंगा आइंदा, प्लीज छोड़ दो। समीर खड़े हो जाओ। क्यों, समझ नहीं आ रही बात? खड़े हो जाओ। समीर तुम एक शादीशुदा मर्द हो, मीना मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हें सब हरकतें जेब नहीं देती। कि क्या बकवास कर रही हो तुम? समीर मेरा हाथ छोड़ो, कोई है? कोई है क्या? तेरी मीना जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं है कुछ। मीना 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 मीना, मेरी बात की यकीन करो, जो तुमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर ये क्या है? मैं इस बारे में तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की मैं ही हूँ। अगर पहली और आखिरी मैं हूँ तो फिर ये कौन है? बड़ी लंबी बात है और बैठ के बात कर। नहीं करनी कोई बात। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया समीर? अपने माँ बाप से लड़ी, अपना घर तक छोड़ दिया, बदले में एक चीज मांगी तुमसे, लॉयल्टी। मीना मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैंने बेवफाई नहीं की तुम्हारे साथ। झूठ बोल रहे हो। मीना बेटा क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे पापा से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। मीना चुप, मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। गेट आउट। मीना मौजूदगी तेरी एक एहसास है, तू दूर होके भी मेरे पास है। ख्वाबों के दर में रहती है तू जहां, ताबीर दे मुझे, ले जा मुझे तू वहां, सब कुछ मेरा तुझ पे कतम, तू जान ले तू जान ले। है ख्वाहिश मेरी के बन के सनम, तू मेरी रहे मेरी ही रहे, के चाहूंगा तुझको हमेशा है तेरी कसम। तू आ भी जा मिल जा मुझे, के तेरे बिना अब नहीं है गुजारा, है क्यों भला ये दूरियां तेरे मेरे दरमियां। तू आ भी जा है ख्वाब ही, के तेरे बिना अब अधूरे, यहाँ हम हैं क्यों भला ये दूरियां तेरे मेरे दरमियां। मीना दरवाजा खोलो। चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो आप सब मुझे। मीना दरवाजा खोलो प्लीज। क्या हुआ?
पापा देखे ना, मीना दरवाजा नहीं खोल रही, लगता है रो रही है अंदर। मीना मीना बेटा दरवाजा खोलो, आज ईद का दिन है, उस पर आंसू मत बहाओ। दरवाजा खोलो मीना। अपनी किस्मत पर भी आंसू ना बहाओ पापा। बेटा वो तुम्हारे काबिल नहीं है। कौन है मेरे काबिल, कौन है ये? मैं कहां से, मैं तो ऐसे ही खड़ा था। मैं जब से यहां आई तब से नोटिस कर रही हूं, आप लोगों ने उसे और हमें कभी कबूल किया ही नहीं, बस नुक्स निकालने की ताक में लगे रहे, जैसे तैसे करके नुक्स निकालते गए, और अब उसे मेरी जिंदगी से निकाल के, इस घर से निकाल के शुक्र के कर में पड़ने। क्यों पापा, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? मैं तो तुम्हारी बेहतर। पापा मेरी उससे शादी हो चुकी है, हो चुकी है ना उससे मेरी शादी। और मेरी बेहतरी किसमें है? बट्टी फोन उठा। हेलो बट्टी, तू यहाँ पे? तेरी मतलब तेरे साथ ही तो था हमेशा, लेकिन तू मुझे ये बता, तूने हार भी मान ली? तू नहीं समझेगा बट्टी, मीना ने मुझे गेट आउट कर दिया। ओह, मीना ने मुझे गेट आउट बोल दिया। ओह, और तू मान भी गया? तो और क्या करता, मर्द बनता। माँ मर्दी बन जाना चाहिए था। अबे भाई तूने कभी अपनी शक्ल देखी शीशे में? डायनासोर के मुंह वाले थोड़ी अकल की। मर्द बनने का ना कोई कोई सिचुएशन होती है, कोई कोई टाइम होता है। देख जब सिचुएशन डेस्परेट हो जाना तो मर्दानगी आउट और भीगी बिल्ली, तो भीगी बिल्ली बन जा, भाभी के पाँव पड़ जा और तलवे चाट। मैं क्यों पाँव पड़ूं, ये तो गलती भी नहीं थी। सारे मर्द हजरा दिए गए थे, लेकिन गलती हमेशा छोड़ दो। तू सब कुछ अपने सर पे ले, सारी कंफ्यूजन दूर कर, और दिल जीत के ना तू जिंदगी रीसेट कर ले। अब उसके बाद तू 10 दफा भी दोबारा पैदा हो जाएगा, भाभी जैसी बंदी तुझे दोबारा नहीं मिले। भाई भट्टी वाकई ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मीना तो लाखों में एक है। भट्टी के बच्चे, तुमने लॉन्ड्री से कपड़े लाने का कहा था, अभी तक लेकर क्यों नहीं आई तुम? भट्टी आवाज किसकी है? तेरी सोच, मैं मेरी सोच। हाँ? लेकिन भट्टी माना अधूरा हूँ तेरे बिना, क्यों दे रही है सजा,
यादें जो तेरी मेरे पास हैं, जीने की मेरी वजह, कहीं मिल जा मुझे अपना बना मुझे, तुझसे मेरी हेल्थ जा, तू आ भी जा मिल जा मुझे, कि तेरे बिना अब नहीं है गुजारा, है क्यों भला ये दूरियां तेरे मेरे दरमियां, तू आ भी जा है ख्वाब ही, कि तेरे बिना अब अधूरे यहाँ हम हैं, क्यों भला ये दूरियां तेरे मेरे दरमियां। चाय पियेंगे? क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हुए? आज तो जश्न का दिन है और जैसा आप चाहते थे वैसा हो भी तो गया, फिर क्या परेशानी है? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या मतलब? उसने आपकी बेटी को भगाया और हमने उसे, हिसाब बराबर। मगर किस कीमत पर? हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया ना? देखो, माना के समीर ने मीना से झूठ बोला, पैसों की खातिर सारा को भी धोखा दिया, मगर ऐसे कैसे? वो कहानी तो मैंने बनाई थी। कौन सी कहानी? अरे छोड़ें, कोई कहानी वहानी नहीं, आपने समीर को घर से निकालने का टारगेट दिया, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो उंगली टेढ़ी करने में भी कोई मजायका नहीं। बेटा फिर भी बताओ कौन सी कहानी? अरे छोड़े, मैंने कहा बताओ मुझे। देखें, चक्कर समीर का सारा के साथ नहीं, सारा का समीर के साथ था, वो उसके पीछे पड़ी हुई थी, यहां तक कि उसको खाने में चूहे मार गोलियां मिला के दी और वो खा भी गया, पर दोनों का चक्कर तो था ना। क्या कह रहे हो सर? इन दोनों का चक्कर कहां था? ये तो चक्कर यकतरफा था। धोखेबाज तो समीर भी है ना, उसने सारा और अपने चक्कर के बारे में मीना को बताया? नहीं बताया ना, भरोसे लायक नहीं है वो लड़का। शुक्र करे आपने अपनी बेटी की जान बचाई। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी है? बाबा जान, एक दफा मीना की समीर से अलहदगी हो जाए, फिर टोनी के साथ झट मंगनी और पट ब्याह, ताया जान की फैक्ट्री भी घर में आ जाएगी और मीना बड़ी खुश रहेगी। नहीं बेटा कैसर, मेरा तो ये इरादा था ही नहीं, ये तो गलती हो गई मुझसे, मैं सब कुछ मीना को बताने जा रहा हूं। मीना जी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। मीना जी, डोंट क्राई, You know I hate tears. और देखो ना, जाओ। मीना जी, एक बात सच सच बताइएगा, वो समीर क्या बहुत ख्याल रखता है आपका? उसके साथ होने से क्या खुश हो जाती हैं आप? टोनी, मेरा दिमाग खराब मत करो, निकलो। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, लगता था बहुत ख्याल मेरा, उसके साथ होती हूँ तो खुश हो जाती, मुंह में धोखे बाज निकला, यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? वो धोखेबाज नहीं। क्या मतलब? मैंने आपको दिल से चाहा मीना जी, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशी की खातर आपको दुख दूं।
मीना जी, अगर मैं आपसे कहूं आज जो कुछ आपने देखा, जो सुना, वो सब कैसर भाई और चचा की साजिश है, क्या मेरा यकीन करेंगे? क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं, वो सारा, वो कैसर भाई की कजन नहीं है। उसको यहां सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि आप दोनों में गलत फहमी लाई जा सके। मीना, तुम तो कह रही थी कि समीर की जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की, ये क्या भाई? मीना, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मीना, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैंने बेवफाई नहीं की तुम्हारे साथ। मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गेट आउट। आपका समीर बेकसूर है और आज आपने जो कुछ देखा वो सच नहीं, साजिश है। तुम्हें किसने बताया? मैं कैसर भाई और चचा की बातें सुन के आ रहा हूँ। ये सारा खेल उनका है ताकि मेरी आपसे शादी हो और मेरी फैक्ट्री वो चलें। हमेशा तुम्हें बहुत गालियां दी हैं। I'm sorry and thank you so much। मैंने चल नॉट जी, पापा ये लोग कौन है? डाकू। ये डिलीट किया साइको सारा का अकाउंट, अब बनाए टिकटॉक। सारा माल रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? रखे। आहा, जूते तो बड़े अच्छे पहने हुए। जूते उतार, उतार जूते। सोच लो, मुझे एक जिम्मा है, मैं पाँव नहीं धोता। जूते उतार, चल। चल। मीना, मेरा ख्याल है अभी आप लोग मसरूफ हो, मैं बाद में आ जाऊंगा। टेक योर टाइम। ओ किधर? वापस वापस वापस। तो जा लाइन में लग जाओ, शाबाश, चल। क्या फायदा होगा आपके पुलिस में होने का? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे एक घटिया, बदतमीज, बेगैरत इंसान समझ। ओ हेलो, क्या गुजर बसर चल रही है? बीवी है मेरी, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो अपने टाइम पे करना, अभी चुप। जरूरी है बात? लंबी बात है? थोड़ी सी है। चल फिर बात सबके सामने, लेकिन सबके सामने, सारा टाइम नहीं है हमारे पास। पर्सनल स्पेस भी कुछ
मीना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दुनिया का सबसे ज़्यादा घटिया, बदतमीज, बेगैरत इंसान समझती हो, और शायद मैं हूँ भी, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं सारा में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, और ना ही हमारे कोई चक्कर था। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम हो, क्योंकि हम सोलमेट्स हैं। यूनिवर्सिटी में भी जब मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाता था तो मुझसे बात करती थी। तुमने मुझसे शादी की, तुमने इस ऐशो इशरत को छोड़ के मुझे चुना ना। अपने डैड के पांच किनार के घर को छोड़ के तुम मेरे साथ मेरे तीन मरले घर में रह रही हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो तो तुम्हारी अम्मी को भी नहीं आता। तुम्हारे हाथ का बना हुआ फ्राई अंडा जला हुआ किसी भी फाइव स्टार रेस्टोरेंट के खाने से सबसे बेहतरीन है। मीना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी ना, तो मेरी जिंदगी एक बार फिर से परफेक्ट हो जाएगी। प्लीज एक मौका और दे दो। कसम से, अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आपकी ऑमलेट वाली बात पे कब का पिघल चुका होता। ना देखो तो सही उसको। इतनी रोमांटिक स्पीच के लिए तुमने इतना घटिया टाइम ही चुनना था समीर। सॉरी। इट्स ओके। स्पीच अच्छी थी। ओए! तुम लोग का हो गया तो हम कुछ काम कर लें। कुलू, घड़ी उतार उसकी। नहीं, घड़ी नहीं। सारा ने दी थी। मीना। अंगूठी? बॉस, इस लड़की ने तो हीरे की अंगूठी पहनी हुई है। ओहो, इतनी जल्दी नहीं जूलियट, इतनी जल्दी नहीं। चल अंगूठी उतार अपनी। मैं नहीं दूंगी। मीना क्या कर रही हो? वो डाकू हैं, उनके हाथ में गन है। मीना प्लीज मत देना, मैंने इतने प्यार से दी थी, बहुत महंगी होगी, दोबारा ही लेके दूंगा मैं। मैं देखता हूँ कैसे नहीं दिखाती। दिखा अंगूठी। नहीं नहीं नहीं, मैं देती हूँ। मीना को कुछ नहीं कहना, गोली मारनी है तो मुझे मारो। हट जा, मैं मार दूंगा। हाँ तो मारो। मैं मार दूंगा। मारो। मैं मार दूंगा। गुल्लू, ये कह रहा है इसको मार दो। मार दूं? मारो। जो पता था ये गन नकली है। लेकिन ये थप्पड़ असली है। गन नकली है? गन नकली है? अटैक। हम तो तुम्हें टीला समझते थे, तुम तो दो धारी तलवार निकले हैं। चलो समीर, घर चलने का वक्त हो गया। मीना बेटा। पापा प्लीज, मुझे सबसे ज्यादा दुख आपने दी। मुझे लगा था आप सब बदल गए, अपनी मुफाद और जिद के आगे आप लोग मेरी खुशियों को पॉकेट देने लगे, मगर
करना गलत थी। समीर उठो चलो। मीना गुस्सा छोड़ दो, बात सुनो। समीर तुम अभी भी इन सबकी साइड ले रहे हो, ये जानते हुए भी इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? मीना गलतफहमी थी, तुम्हें भी तो गलतफहमी हो गई थी ना, लेकिन मैं तुम्हें मनाने के लिए आया ना, तुम्हें छोड़ा तो नहीं। मीना इस घर में सब अपने हैं सिवाय कैसर के। क्यों भाई, मैंने को तेरा उधार देना है? ओह यस। बेटा जरा तुम बाहर चलो, फिर तुम्हें बताता हूं तुमने किस किस का क्या क्या देना है, समझ गए ना? मीना बेटा, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो हमें हकीकत के बारे में मालूम नहीं था ना, और जैसे ही मुझे समीर की हकीकत का पता चला मैं तुम्हें बताने आ रहा था, लेकिन वो डाकू आ गए। मीना बेटा तुम जो सजा दोगी वो हमें मंजूर है, पर बेटा प्लीज इस दफा हमको छोड़ के मत जाओ। मीना तुम खुद ही तो कहती थी कि वो ईद ईद ही नहीं होती है जो अपनों के दरमियान ना मनाई जाए। ये जो है जैसे हैं, ये तो हमारे अपने ना, और ये तो उनका नानी है तुम्हारे अपने। सॉरी बेटा। सॉरी नो। अच्छा बेटा अगर हम तुम्हारी दोबारा से शादी करा दें, अंकल आई मीन असली वाली शादी करा दें, तो फिर तो रुकोगे ना तुम लोग? Okay.